आप देख रहे हैं टू जेड लाइव खबरें। हमारे साथ मौजूद है देवा के वार्ड नंबर 5 के सभासद प्रत्याशी और मौजूदा सभासद फखरे आलम जी। फखरे आलम जी, ये बताइए, आप मौजूदा सभासद हैं और आपने क्षेत्र में क्या किया अभी तक? भाई, पहले तो देवा की पावन धरती पर आपका स्वागत है। मैं सभासद फखरे आलम सिद्दीकी, मोहल्ला लालापुर, वार्ड 5। मैंने अपने वार्ड के लिए जो कमियां थी, जैसे पानी शिविर की, उसको हमने पाइपलाइन डरवा के उसकी शिविर पूरी करवाई, जिससे लोगों तक पानी पहुंचा। और जो सड़कें इधर उधर ख़राब थी, उन सड़कों को मरम्मत करवाया, सही करवाया। और जो भी लोगों के कार्य होते हैं, तो उनके लिए मैं तत्पर रहता हूँ। मौजूदा सभासद के तौर पर आप हैं, और भी काफ़ी समस्याएं आपके क्षेत्र में हैं जो अभी पूरी तरह से करी नहीं गई हैं। इस बार आप जब दोबारा सभासद बनेंगे तो क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? मैं पहले उसका भ्रमण कर जो लोगों की दिक्कतें होंगी, उन दिक्कतों को देखूंगा। उसके बाद जो करने वाला होगा, प्रस्तावित करके उन कार्यों को पूरा करूंगा। कई कॉलोनियां आई हैं, उसके ऊपर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि काफ़ी पैसा लिया गया है, और कभी कुछ लोग बताते हैं कि कॉलोनियां आई हैं उस पर सही जगह पे कॉलोनियां हम लोग को नहीं मिली, जो पात्र लोग हैं उनको कॉलोनियां नहीं पहुंची हैं। उसके लिए आप अगली बार क्या करेंगे? भाई देखिए, तो जनता आवाम है, कुछ विपक्ष के लोग होते हैं तो ये मुद्दा उठाते रहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत डायरेक्ट खातों में पैसा आता है, तो स्वयं उसके वो जिम्मेदार होते हैं। वो किसको देते हैं, क्या देते हैं, ये उनका दायित्व है। लेकिन मेरी तो जनता से यही अपील है कि ऐसे लोगों को पैसा ना दे, वो भी मांगे। और मेरी कोशिश ये रही कि जो गरीब लोग हैं, उनको मैं काफ़ी हद तक देख कर उनकी कॉलोनियाँ पास करवाई और उनका भला करवाया। और वो लोग हार्दिक हमको दुआएं और अभिनंदन करते हैं। मैं उससे अपेक्षा करूंगा कि गलत लोगों को पैसा ना दें। देवा शरीफ एक काफ़ी बड़ा धार्मिक स्थल है, और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, हर साल लगभग यहाँ पे काफ़ी जायरीन आते हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी से पुलिस व्यवस्था कर दी जाती है। आप उसके क्या सहयोग करते हैं? मैं यहाँ के मकामी जो पुलिस है, जो हमारा सहयोग मांगती है, उस सहयोग के अनुसार हम उनका सहयोग करते हैं। और आए हुए जायरीनों के लिए खाना हम सभी साथ सभासद मिलके जो है उसका इंतजाम करते हैं, और लंगर करवा के उनको खाना देते हैं। प्रेजेंट टाइम में आप सभासद हैं, और आने वाले जो सभासद के चुनाव में आप फिर से खड़े हुए हैं, क्या अब की आपके मुद्दे रहेंगे जिस पे आपको जनता वोट करे? भाई, मुद्दे हमारे यही है कि यदि मैं आपके योग्य हूँ और मैं आपके लिए हित कर कार्य कर रहा हूँ, तो आप मुझे वोट दें, अन्यथा कोई हमसे अच्छा व्यक्ति मिले, आप उसका सपोर्ट कर उसे जिताएं। हमारे साथ मौजूद थे फखरे आलम जी और कैमरामैन अब्दुल खालिक के साथ मैं मोहम्मद शफल भी।